आप जानते हैं जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने उसे कौन सा मंत्र सिखाया था? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या गुरबाणी एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। मगर आप जानते हैं बीजेपी और उससे जुड़ी ताकतें हमारे बच्चों को कौन सा मंत्र सिखाना चाहती है? मुलायजा फरमाइए। जी हां, आज की तारीख में यह मंत्र इस देश की आत्मा बनाया जा रहा है। यह मंत्र हर जगह, यह नारा हर जगह लगाया जा रहा है, लोगों को डराने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए। गौर कीजिए, जब गृह मंत्री अमित शाह, जो अब तक दिल्ली में हुए दंगों पर खामोश हैं, जब वो पश्चिम बंगाल में रैली करते हैं तो रैली से ठीक पहले उनके समर्थक वही नारे लगाते हैं। आज मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह तो कह चुके हैं कि दो तिहाई बहुमत के साथ वो आ रहे हैं। बधाई हो भद्रलोक आपको, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी ना, तो गली गली में, सॉल्ट लेक सिटी से लेकर 24 परगना, हर जगह यही नारा गूंजेगा। वाकई ये नारा हमारी शक्ति बन गया है। अब गौर कीजिए, कनॉट प्लेस में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर कुछ युवक जो हैं ये नारा लगा रहे थे, फिर से वही नारा। वाकई क्या हम सबको शर्म नहीं आती? हम किस कदर इस नारे को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बना रहे हैं। और फिर ये शख्स जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए, कपिल मिश्रा, वो आदमी जिसने एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईएसआई का जासूस बताया था, लड़कियों की स्टॉकिंग करने वाला, उनकी जासूसी करने वाला शख्स बताया था, आज ये शख्स जिसे जेल में होना चाहिए था, वो क्या करता है दोस्तों? वो शांति मार्च निकालता है और यहां पर भी उसी तरह के नारे, उसी तरह के भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। आपको कितनी बार फोन करने का, आऊंगा घर, ठीक हो? नहीं, बहुत ठीक हूँ, मैं फोन करता हूँ। आज मैं कुछ लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का ये छुटभैया नेता, जो कि चाइनीज झुमके भी बेचता है, नाम इसका तेजेंद्र बग्गा, इसका ये स्क्रीनशॉट मैंने ट्विटर टाइमलाइन पर देखा और उसने कहा कि हम बैंगलोर जा रहे हैं, और इसके अंदर दो लोगों का जिक्र किया गया। एक तरफ वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जिसे भीड़ ने मौत की घाट उतार दिया, और दूसरी तरफ रतन लाल। तुम इन दोनों की तो बात कर रहे हो, मैं सिर्फ इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं फातिमा की भी बात करता हूं, फुरकान की भी बात करता हूं, और मैं रोहित सोलंकी की भी बात करता हूं। वो रोहित सोलंकी जो एक हिंदू है, मगर क्या आप जानते हैं कि बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? उस पर खामोश इसलिए दोस्तों क्योंकि रोहित सोलंकी के पिता ने उसकी मौत के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वाकई ये लोग हिंदू के हितैषी हैं? नहीं, कल को अगर आप इनसे सवाल करेंगे ना, तो आपको भी भुला दिया जाएगा। इसी तरह से उन्हीं नारों में आपकी आवाज को दफन कर दिया जाएगा जो इस देश की हकीकत बताए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है। कल यह मान्यवर भी पत्रकारों के सामने आए, अनुराग ठाकुर, जब इनसे पूछा गया उनके उस नारे का जो उन्होंने अपनी चुनावी रैली में लगवाया था, देश के गद्दारों को, गद्दारों को होली मार, देश के गद्दारों को। गौर कीजिए, तब इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि मीडिया को अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि मैंने क्या कहा था। जी हां, अनुराग ठाकुर
ये नारे आपने ही लगवाए थे, आप भी निकले ना सावरकर के वंशज। मैं तभी कहता हूं कि मीडिया की जानकारी जितनी है पहले अपनी जानकारी में सुधार कीजिए। और मैं जानता हूं यहां पर अनुराग ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ये कहना चाह रहे हैं कि गोली मारो को मैंने नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था देश के गद्दारों को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर, जब आपने नारा लगाया देश के गद्दारों को, तब आप भीड़ से क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो कौन सा नारा लगाएगी? आप इस नारे की उम्मीद कर रहे थे जो कि भीड़ ने लगाया? फिर से सुनिए। गद्दारों को होली मा, देश के गद्दारों को। तो जब आपने ये नारा लगाया कि देश के गद्दारों को, तब क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि जनता कहेगी पकौड़ा तलना सिखाओ सारों को का नारा लगाएगी? दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश को अफवाहों का देश बनाया जा रहा है, इस देश को डर का देश बनाया जा रहा है। कल शाम जो अफरा तफरी दिल्ली में रही वो अप्रत्याशित थी। अचानक एक अफवाह सामने उभर कर आती है कि खयाला, रघुबीर नगर, तिलक नगर, इन तमाम जगहों पर दंगे जैसे माहौल हो गए। नतीजा यह होता है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन अपने इस ट्वीट में जानकारी देती है कि हमने तिलक नगर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, वो पुलिस जो अब तक खामोश रही है, वो पुलिस जो दंगाइयों का साथ भी देती नजर आई, उस पुलिस ने पहली बार जिम्मेदारी भरा रवैये का परिचय दिया। उसने बताया कि ये तमाम चीजें अफवाहें हैं और अफवाहों पर विश्वास ना करें। सुनिए पुलिस का ये कांस्टेबल कह क्या रहा है। भाई ऐसा है, मंगोलपुरी में केवल अफवाह है, सब शांति है, पूरी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, पूरा थाना अलर्ट है, कोई किसी को चोट नहीं लगी है, ना कोई इंजर्ड है, सब केवल अफवाही है। और इन अफवाहों से दूर रहिए और अपना भाईचारा शांति कायम रखिए, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो हमारा बाल कौन बांका करेगा। मैं आपको बता चुका हूं, रोहित सोलंकी के परिवार के आंसू पोंछने बीजेपी का एक भी नेता सामने उभर कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कपिल मिश्रा को दोषी मान रहा है। अब गौर कीजिए शख्स पर, इसका नाम है अख्तर रजा। यह है बीजेपी दिल्ली माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट। क्या आप जानते हैं कि इसके घर को भी जला दिया गया? टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में अख्तर रजा ने कहा है कि वो लगातार बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश करता रहा मगर किसी ने उससे बात तक नहीं की। ये मत सोचिए कि अगर आप इस तरह से गलत का साथ देंगे तो आप खुद बचे रहेंगे। क्या कहा था इंदौर वाले चचा ने कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या आप जानते हैं, कल मैं कुछ रिसर्च कर रहा था दोस्तों और मेरी निगाह गई 11 नवंबर 1938 को छपे इस अखबार के पहले पन्ने पर। जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं दिल्ली की ही खबर पढ़ रहा हूं। आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों, नाज़ीज स्मैश लूट एंड बर्न ज्यूइश शॉप्स एंड टेम्पल्स अंटिल गिबल्स कॉल्स हॉल्ट। कौन नाज़ी और कौन गिबल्स? मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रिया पर इस शख्स हिटलर का कब्जा हो चुका था और ऑस्ट्रिया के अंदर जो नाज़ी थे यानी कि हिटलर की सोच से जुड़े लोग, उन्होंने यहूदियों की दुकानों, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला किया, तोड़फोड़ किया। और जानते हैं ये दंगा कब रुका? जब ये शख्स गिबल्स, उसने आह्वान किया। कौन था गिबल्स? गिबल्स था दरअसल हिटलर का प्रचार मंत्री। यानी कि अगर भारत में आप किसी गिबल्स को ढूंढने का प्रयास करें तो आज की तारीख में जो गोदी मीडिया है ना, वो गिबल्स है। क्योंकि गिबल्स ने लगातार यहूदियों को बदनाम किया, उन्हें टारगेट किया, नतीजा ये हुआ कि लाखों की तादाद में यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ले जाया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि गिबल्स लगातार फिल्मों के जरिए, रेडियो के जरिए, अखबारों के जरिए यहूदियों को बदनाम करता रहता था और इसी गिबल्स ने आखिरकार हस्तक्षेप किया और कहा कि दंगे बंद हों। हमें इतिहास से सीखना चाहिए क्योंकि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते ना, वो लोग अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं ऐसे ही विघटनकारी नारों के चलते।
सबसे दुखद बात यह है कि बुनियादी मुद्दों से हमारा ध्यान पूरी तरह से भटकाया जा चुका है। इकोनॉमी कहां जा रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। गौर कीजिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आखिर कह क्या रहे हैं। रघुराम राजन कहते हैं, दुर्भाग्य से मौजूदा सरकार ने पिछले साल आम चुनाव में भारी जीत के बाद जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान देने के बजाय अपने राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे को पूरा करने पर अधिक जोर दिया। राजन ने कहा, दुर्भाग्य से इस प्रवृत्ति के कारण ग्रोथ की गति धीमी हुई है। इसका कारण सरकार द्वारा शुरू में उठाए गए कुछ कदम भी हैं, जिसमें नोटबंदी और खराब तरीके से लागू माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सुधार शामिल है। और सबसे अजीबोगरीब बात, निर्मला सीतारमन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया जीडीपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है, आप क्या कहेंगी? जानती हैं उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तीसरी तिमाही की विकास दर पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बेहतर संकेत है। उनका कहना है कि वो विकास दर में उछाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। यानी कि उन्होंने वादा क्या किया था हमको, अच्छे दिन आएंगे, इकॉनमी बेहतर होगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। मगर हो क्या रहा है, जो बदतर हालत चल रही है ना, निर्मला जी उसी पर खुश हैं। यह बना दिया गया हमारे देश को भड़काऊ, असुरक्षित, मूर्ख, यह बनाया जा रहा है मेरे भारत को। और जो लोग, जो ताकतें इसमें शरीक हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, इससे हमें सीख क्या मिलती है? नंबर एक, देश में राजनीतिक शून्यता, नेतृत्व की पूरी कमी, कोई नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए। कहीं ना कहीं इस देश को एक मसीहा की तलाश है जो इन्हें वाकई रास्ता दिखा सके। मुद्दा नंबर 2, डर बनाए रखें लोगों में, बुनियादी मुद्दों से भटकाए रखें। आज की तारीख में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन क्या कह रही हैं, जो बदतर हालत चले आ रहे हैं वही ठीक है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि हालत बेहतर होंगे और हम उसी में खुश हैं। डर का नतीजा यह है कि हम कितनी आसानी से अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। मुद्दा नंबर 3, कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। जी हां, इस वक्त देश का जनमानस कराह रहा है, दिल्ली का जनमानस कराह रहा है। आप लोग जो बेशक इस सरकार की और उससे जुड़ी ताकतों की हरकतों का समर्थन कर रहे हो, मगर आप भी खुश नहीं है। आपके घाव पर भी कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, यह त्रासदी है इस देश की। और आप जानते हैं इसकी वजह क्या है, क्योंकि देश को इन 3 चेहरों से उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। मैं इन तीनों की सिलसिलेवार तरीके से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इतनी उम्मीद देश को केजरीवाल या राहुल गांधी से नहीं करनी चाहिए। 99% उम्मीद हमें शख्स से है जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर दिल्ली में शांति बनाए रखने को लेकर एक सतही अपील कर दी जाती है। ये प्रयागराज में थे, बुंदेलखंड में थे, उन रैलियों में उन्होंने दिल्ली में हुए दंगों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, एक ट्वीट नहीं किया। क्या इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो सकती है कि प्रधानमंत्री को एक नहीं, 2-2, 3-3 मंच मिले और उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा? क्या मोदी जी, यह आपका कर्तव्य नहीं है कि आप इस पर कुछ कहें? आपके जो दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं यानी कि अमित शाह, वो तो अब तक इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। मैदान में उतरे कौन, ये शख्स अजीत डोभाल, जिन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, मगर अमित जी इस मुद्दे पर अब तक खामोश हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है। अब इस दूसरे शख्स पर गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल। जी हां, हनुमान के नए भक्त, और अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर उस सक्रिय तरीके से सामने उभर कर नहीं आया जिसकी हमें उम्मीद है। अगर आप इनके ट्विटर टाइमलाइन पर गौर करें दोस्तों, तो अंकित शर्मा के परिवार में और उनके दुख में तो शरीर दिखाई देते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, यहां पर भी ये एक सियासत खेलते नजर आ रहे हैं। और अब इस तीसरे शख्स पर गौर कीजिए, राहुल गांधी। ये तो शायद देश में ही नहीं है। मैं जानता हूं कांग्रेसी क्या कहेंगे कि हर चीज के लिए राहुल गांधी पर दोष मढ़ना कितना सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 23 मई से पहले कांग्रेसी और खुद राहुल गांधी ये मान रहे थे कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, और सिर्फ इसलिए कि आप अमेठी से हार गए, सिर्फ इसलिए कि जनता ने आपको 50 सीटों पर लाकर रख दिया लगातार दूसरी बार। क्या इसका अर्थ यह होता है कि आप देश की जनता और उससे जुड़े मुद्दों से खुद को दूर कर लें? बताइए, प्रियंका गांधी कहां हैं?
क्या उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए? इस देश को उम्मीद है अपने नायकों से जिन्हें हमने सराखों पर बिठाया। चलिए बॉलीवुड की बात कर लें। मैं जानता हूं कि स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, जीशान आयुब, तापसी पन्नू, सोनम आहूजा और ऐसे कई चेहरे सामने उभर कर आ रहे हैं जिन्होंने लगातार इस सरकार और बीजेपी की जो बांटने वाली नीतियों का विरोध किया है। मगर इन पर गौर कीजिए, आमिर खान, आप जानते हैं दिल्ली जल रही है मगर ये शख्स क्या अपील कर रहा है, आप खुद सुनिए। अ वेरी वार्म हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स इन चाइना। सिंस आई रेड अबाउट द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस ओवर देयर, आई हैव बीन एक्सट्रीमली कंसर्न्ड। आई हैव बीन इन टच विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस ट्रेजेडी विद अ लॉट ऑफ पेन इन माय हार्ट। माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू Those of you who have lost somebody close. मैं नहीं भूला हूं 1993 में, उस वक्त मैं कॉलेज में हुआ करता था दोस्तों, और तब 1990 से 93 के बीच जो लगातार दंगे हुए जिसमें बाबरी भी ढाया गया, उसके बाद तमाम फिल्म स्टार्स जो हैं वो सामने उभर कर आए थे और उन्होंने देश के लिए एक गीत पेश किया था इस विज्ञापन के जरिए। और वो गीत क्या था याद है आपको? सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में का रहे। अब ना वो कोई गाने गाता है दोस्तों, और मैं जानता हूं ये जो विज्ञापन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 1993 का, इसमें उस वक्त की सरकार का हाथ था। अब तो सरकार भी अपनी तरफ से ये अपील नहीं कर रही है कि शांति बनाई जाए, वो चाहते हैं आप और हम हिंसा में लगातार इसी कदर दफन हो। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, सवाल सरकार का नहीं है। आज की तारीख में ये फिल्म स्टार्स चाहें तो मिलकर, यानी कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये चाहें तो मिलकर एक अपील कर सकते हैं मगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि शांति की अपील करना इस देश में गुनाह बन गया है। क्यों? क्योंकि हमारा नारा कौन सा है? हमारा नारा वही है दोस्तों जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको सुनाया था। भूल गए हो तो फिर से सुन लीजिए। गद्दारों को होली मार, देश के गद्दारों को। खैर, न्यूज चक्र में मेरा कर्तव्य था कि समाज में जो हो रहा है उसका आईना आपके सामने रखूं अपने शब्दों के जरिए। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।